प्रकृति की बेशुमार खूबसूरती ओढ़े बसंत के आगमन के साथ मनाए जाने वाले फूलदेई लोक पर्व को भी अल्मोड़ा में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह सवेरे से ही बच्चे फ्योली बुरास के लाल पीले फूलों और चावल के साथ घर की देहली पे पूजा करने के लिए पहुंचे, जिसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई काफी पारंपरिक पर्व है, जिसका जुड़ाव सीधे प्रकृति से है। सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाने के बाद जब ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों से प्रकृति का श्रृंगार हो जाता है। उस मौके पर चैत की संक्रांति पर फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर छोटे बच्चों से जुड़ा त्योहार है, जिसका बच्चों को साल भर से इंतजार रहता है। इस दिन बच्चे रंग बिरंगे फूलों और चावल से घर की देहरी को पूजते हैं और फूलदेई छम्मा देई देणी द्वार भर भकार जैसे लोकगीत कहते हैं। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। हमारा फूलदेई का होता है, इसमें मतलब जो शहरों में होते हैं वो तो अब इतना नहीं मनाते हैं, लेकिन गांव में प्रथा चली आ रही है। तो और जो लोग हैं वो बाहर से अपने कोर्स स्कूल को छोड़ के यहाँ इस त्यौहार को मनाने आते हैं और हर घर में जाके एक दस्तूर जो फूल होते हैं उन्हें डाल आते हैं और बदले में उनसे दान में चावल और गुड़ और थोड़ा पैसे ले आते हैं। बाकी ये त्यौहार बहुत अच्छा त्यौहार है, लेकिन ये बाहर के शहरों में उतना नहीं मनाया जाता है, लेकिन पहाड़ में इसकी जो मान्यता है वो बहुत पहले से चली आ रही है और इस त्यौहार को हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। क्या लगता है? चार का महीना है और फूलदेई छम्मा देई और लड़कियों की भिटोली और क्या कहते हैं हमारा गांव में जो होता है गांव में सब आने जाने वाले छम्मा देई फूलदेई कहते हैं, देवियों को पूजते हैं और क्या कहते हैं भगवान को सब मानते हैं। तब आज से भिटोली चल गई, रंगीला चैत आ गया, रंगीलो चैतो। आज फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है, ये वसंत ऋतु का आगाज है, जिसमें जो हमारे नए नए फूल खिलते हैं, नई कलियां खिलती हैं, नई फसल खिलती है, तो उस फसल का उस फूलों का उस ये इस ऋतु का अपने अपने देहली पे अपने घर के देवताओं को उनको पूजते हैं और ये आशा करते हैं कि आने वाली जो इस साल की जो फसल है वो और अच्छी हो। और इस त्यौहार को हमारे गांव में अभी भी तक ये गाँव मनाया जाता है, हर्षोल्लास मनाया जाता है, चाहे वो बुजुर्ग हों, छोटे हों, बच्चे हों, युवा हों, सभी लोग इसे बहुत हर्षोल्लास मनाते हैं और हमें इस कामना करते हैं कि इस बार की जो फसल हो अच्छी हो, अब हमारा जो भविष्य हो गांव का अच्छा हो और इसी तरह सुंदरता ये नेचर बना रहे। धन्यवाद।